नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल चौहान आज मैं आपके सामने हूं विचार को लेकर। विचार हमारे मन में उपजते हैं और क्रियान्वित होकर किसी और रूप में पहुंच जाते हैं। मैं आज सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर विचार के संबंध में जो मैंने कहा कह रहा हूं या जो मेरी सोच है आपको अच्छी लगती है तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, और अगर आप ये वीडियो नहीं दिखाते हैं तो आप उन बच्चों को जरूर समझाएं और उन्हें बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं विचार के संबंध। विचार प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा आते रहते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव जो हमारे विचार होते हैं जिसे हम कहते हैं सुविचार, और नेगेटिव विचार कुविचार। तो हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के विचार होते हैं। अब हमारे विचार जो होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और जब वो अपनी पूर्ण अवस्था में आते हैं तब उसकी क्या स्थिति होती है, एक छोटी सी चीज लेके बताता हूं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं। हम विचार कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और बहुत ही अच्छी जॉब करने वाला या बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बने। हर माँ बाप की आकांक्षा होती है, हर पेरेंट्स की आकांक्षा होती है, और वो विचार करने और उस विचार के लिए सबसे आवश्यक है क्रियान्वित, हमारी क्रिया। यदि हमें भूख लगी है और हम विचार करते हैं कि हमको खाना खाना है तो हमें उसके लिए कार्य करना होता है, हमें किसी से कहना होता है, अपनी मदर से कहना होता है मम्मी मेरे को भूख लगी, अपनी वाइफ से कहना होता है कि मेरे को भूख लगी। तो विचार करने के बाद क्रिया आवश्यक है, और हम बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए क्रियाएं करने लगते, क्रिया नहीं करते क्रियाएं करने लगते। ये आई बच्चों के साथ। अब हम आते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन, चाहे वो नौकरी करना हो चाहे बिजनेस। हम सुबह उठते हैं और विचार करते हैं हमें ऑफिस जाना है, हम विचार करते हैं हमें दुकान जाना है, किसी और बिजनेस में जाना है। हम ये तो विचार करते हैं कि हमें जाना है, हम ये विचार नहीं करते हमें क्यों जाना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमें ऑफिस ही तो जाना है तो हम क्यों विचार करें। और हम ये सोच के वहां विचार की क्रिया को रोक देते हैं, और अगर हम उस क्रिया को आगे बढ़ाएं कि हमें ऑफिस क्यों जाना है, जॉब करने जाना है, जो हम सैलरी ले रहे हैं हमें उसका आउटपुट देना है, अगर आप ये विचार करेंगे और घर परिवार में आकर जब आप चर्चा करेंगे तो उस चर्चा का तरीका, शब्द, विषय सब कुछ अलग होगा, क्योंकि आपके विचारों में बदलाव आ गया। आप सिर्फ वो विचार नहीं कर रहे कि जाना है और आना है,
हमें मंथ एंड पे सैलरी लेना है या हमने बिजनेस करना है और मंथ एंड पे अपना देख लेना आउटपुट हमने कितना कमाया। तो विचार की जो क्रिया है वो आवश्यक है, बट उसकी दिशा अति आवश्यक है, क्योंकि दिशा नहीं होगी तो विचार सु से कु में उतर जाएगा, यानी सुविचार से कुविचार में। जैसे हम आज वर्तमान की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हम सबने विचार कर लिया बहुत अच्छा होगा, देश का बहुत विकास होगा, फिर से प्रधानमंत्री आ गए हैं, पूर्ण बहुमत से आए हैं, अब जो चाहें वो कर सकते हैं। अब हमने पहले से ही विचार बना लिया है कि वो अच्छा ही करेंगे, तो प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य है, उससे भी गलतियां होना संभव है, हालांकि वो टीम से डिस्कस करता है। पर कोई भी चीज अगर होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, जैसे विचार के भी दो पक्ष हैं, सुविचार और कुविचार। जैसे कि आप विचार के संबंध में सुन रहे हैं तो आप विचार करेंगे कि क्या ये बात सत्य है और हमें इसका पालन करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे परिवार में खुशहाली आएगी। तो विचार अति आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमारे विचार तो बहुत अच्छे बन चुके हैं कि बहुत कुछ करेंगे देश के लिए, और अगर वो कुछ कार्यों में मान लीजिए असफल होते तो तुम्हारा हमारे कुविचार उत्पन्न हो जाए कि ऐसा क्यों, ये नहीं किया ये तो गलत किया। तो हम जो कुविचार की उत्पन्नता करते जाते हैं और सुविचार नहीं हमारे पास आ जाते हैं तो हम कार्य में सफल नहीं, हम किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव पहले सोचने लगते हैं, कुविचार हमारे पास पहले आते हैं। यदि हमें कहीं जाना है तो हम पहले करेंगे ध्यान देंगे, बारिश का मौसम है पता कर ले वहां पे कि बारिश तो नहीं ज्यादा हो रही है, दिक्कत आए, आपने पहले ही विचार को कुविचार में बदल लिया। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आप उसे सुविचार दीजिए कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, और नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत की। पर हम जब कुविचार ला देते हैं कि बेटा आपको फर्स्ट ही आना है, अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो फिर ऐसा हम प्रिय नहीं दिलाएंगे, साइकिल नहीं दिलाएंगे। आपने कुविचार क्यों कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम साइकिल नहीं दिलाएंगे। विचार की उत्पन्नता अति आवश्यक है, पर अगर हम उसे सुविचार के रूप, हम चलिए एक छोटी सी बात लेते, हमारे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम समाज के हों, सिख समाज के हों या ईसाई, क्या कोई भी धर्म विचार के बगैर चल सकता?
जो हम ग्रंथों के रूप में पढ़ रहे हैं वो क्या है? विचार ही, पर वो सुविचार है। अगर हम कुविचार को देखें तो दैत्यों की बढ़ाई वो किसी कुविचार में आया, ये गलत की जीत। तो हम कुविचार पहले से उत्पन्न लाने लगते हैं कि देश भ्रष्ट है, ऑफिसर भ्रष्ट है। आप कैसे कुविचार पहले से ला दिया कि असम भ्रष्ट? अगर क्या सभी भ्रष्ट होते तो शासन चल सकता था? क्या ये संभव है? मुसलमान कौम को लोग कहते हैं कि मुसलमान कौम गद्दार है, तो क्या सैनिक जो बॉर्डर में लड़ते हैं मरते हैं वो मुसलमान नहीं होते? कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी है भारत के देश के लिए? उसके विचार थे कि हमें देश के लिए मरना है, उसके पॉजिटिव विचार थे, सुविचार थे। पर हम अपने मन में कुविचार उत्पन्न कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जात पात को लेकर हम चाहते हैं कि समाज से ये सब चीज गंदगी खत्म हो जाए। पर खत्म कैसे होगी? क्या कुविचार से ये गंदगी खत्म होना संभव है? असंभव है, असंभव। कोई भी आप नियम लागू कर दीजिए, कोई भी कानून ले आइए, ये संभव ही नहीं है कि आप व्यक्ति को बदल। व्यक्ति सिर्फ बदला जाता है विचारों से, और बदला जा सकता है विचारों से। अगर उसके को विचार होंगे तो व्यक्ति की सोच के अनुसार उसे वही दिखेगा, और व्यक्ति के मन में सुविचार होंगे तो उसकी सोच के अनुसार उसे पॉजिटिव दिखेगा। आज हम न्यूज देखते हैं, आज हम सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप बताइए कहां पे, जहां पे भी हम देखते हैं नेगेटिव, तो हमारे मन में क्या होगा? कुविचार उत्पन्न होंगे। सुविचार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? जो आप आंखों से देख रहे हो, जो आप कानों से सुन रहे हो, उसी से विचार उत्पन्न होंगे। आप अपने बच्चों को आप क्यों नहीं सिखाते हैं कि वो चीज देखें जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दिखे? आप कार्टून तो दिखाते हैं, उस कार्टून को आप देखिए, क्या उसकी स्टोरी में आपको पॉजिटिव दिख रहा है? हम पहले बच्चों को ग्रंथों की क्यों जानकारी देते थे? आज के बच्चों से पूछें कि वेद क्या है, पुराण क्या है, तो वो जानते नहीं। बहुत सारे राजनेता तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ही नहीं समझते। तो विचारों का खेल है सर। हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अच्छे विचार कर लेंगे, और अच्छे विचार का ही फल है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। हमने विचार पॉजिटिव रखे तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी, और यदि हम कुविचार रखेंगे तो हमसे गलती हो, क्योंकि सुविचार से ही विजय होती है, कुविचार से नहीं। और हम पूरे जीवन पर्यंत कुविचारों की ओर दौड़ते रहते, कुविचार करते रहते। हम किसी भी चीज के पहले नेगेटिव क्यों सोचते? बार बार हमारे मन में नेगेटिविटी क्यों आती?
कुछ भी चीज बच्चा कहता है, बच्चे को हम अगर हम बचपन से ही सिखाते हैं कि बचपन बच्चा दौड़ने की कोशिश करता है तो हम क्या बोलते हैं, बेटा घर नहीं जाना। अरे हम क्यों बोलते हैं घर नहीं जाना? व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा होती है और हमारी जो ऊर्जा है वो विचारों के द्वारा निकलती है। तो क्या हम ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स के लाकर, लोगों को लाकर? तो क्या हम अपने विचारों को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं और पूरे जीवन पर्यंत हम नेगेटिव थॉट्स में ही जीवन गुजारते रहते हैं? हमें अपने घर से कोशिश करनी चाहिए, अपने आप से कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुविचार। आप कितने लोग घर में रामायण, विष्णु पुराण, बाइबल, हर समुदाय के धार्मिक चैनल आते हैं, कितने लोग दिखाते हैं अपने बच्चों को? भाई जब आप पेड़ ही बबूल का लगाएंगे तो बबूल का पेड़ ही होगा ना। अगर आपको अनार खाने हैं तो अनार का पेड़ लगाना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों पे विचार ही नेगेटिव डाल रहे हैं और आप उनसे आशा करते हैं कि वो आपको पॉजिटिव दें, तो हाउ इट इज पॉसिबल? जब आप उनको कुविचारों के साथ पालन कर रहे हैं, उनका पालन कुविचार के साथ हो रहा है, तो कैसे संभव होगा या आप ये चाह रहे हैं कि आपको उनके द्वारा सुविचार वाली, उनके द्वारा सुविचार वाला व्यक्ति मिले? आप चाहते हैं कि उनके मन में सुविचार हो? हमने ही तो उन्हें सिखाया है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ। कभी आपने अपने बच्चों को सिखाया कि कुछ पल अपने लिए दो? खेलने के लिए भी जा रहा है वो तो दोस्त के लिए, आपके लिए नहीं। आप सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को सब कुछ ला दिया, तो आपने अपना कर्म पूरा कर दिया। यह आपका कोई विचार है ना कि सुविचार। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने कुछ वस्तुएं लाकर अपना कार्य या अपना कर्म पूरा कर लिया? ये तो बहुत से लोग करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं का बच्चे तक पहुंचाते हैं। तो क्या वो पिता का कार्य करते हैं, क्या वो पेरेंट्स का कार्य करते हैं? नहीं, हमें बच्चों को अच्छे विचार देने की आवश्यकता, हमें उन्हें पॉजिटिव चीजें बताने की आवश्यकता। अगर चुनाव होता है, हम सबसे पहले क्या चर्चा करते हैं कि वो पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि उसमें ये कमियां थी। हम ये क्यों नहीं विचार करते हैं वो पार्टी इसलिए जीती क्योंकि उसमें ये अच्छाइयां थी? सिर्फ सोच का फर्क है, बात दोनों सत्य है कि अगर वो हारा है तो कुछ कमियां होंगी और अगर वो जीता है तो उसमें कुछ अच्छाइयां होंगी। पर हम विचार कर रहे हैं तो हम उन हारने वालों पे क्यों विचार करते हैं, हम उन जीतने वालों पे क्यों नहीं विचार करते? तो हमारे जो विचार है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हमारी जो उठने से लेकर क्रिया चालू होती है, हम बिस्तर से उठते हैं और हमारे मन में कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते हैं।
हमें वहीं से ही अपने अंदर सकारात्मक विचारों को चालू कर देना चाहिए। अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए कि मेरे को ऐसा करना है, ये अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो वो अपने लिए करता है, ना कि आपके। और जो आपको अच्छा या बुरा करना है, वो अपने आप के लिए करता है। तो आप दूसरों के प्रति इतना मत सोचिए, आप अपने प्रति सोचिए कि आपको क्या करना है। हम अपना पूरा जीवन दूसरों को देखने में निकालते हैं, अपना जीवन अपने में जारी, अपने आप में जारी। क्या आपने कभी अपने आप को देखा कि आप कौन हैं? आप इस पृथ्वी पे आए किस लिए थे और मनुष्य के रूप में किस लिए आए? क्या आपने अपने सोचा? या आप अपनी दौड़ भाग में वही सुबह उठना, ऑफिस जाना या बिजनेस में जाना और महीने पे पैसा लेना, क्या यही जीवन है? विचार करिए। आप चाहते हैं कि देश बदल जाए, आप चाहते हैं कि लोग बदल जाए, क्या लोग ऐसे ही बदल जाएंगे बिना विचार के द्वारा? विचार करिए, आप विचार करिए, क्या बिना विचार के यह संभव है कि सब लोग अच्छे हो जाए, सब लोग अच्छे हो जाए? और आपने सुविचारों को अपने अंदर उतार लिया, आप देखिएगा कि आपके आसपास जो लोग मिलेंगे वो सुविचार वाले ही मिलेंगे। कोई कुविचार वाले आपसे दूर भगने लगे। जिस प्रकार एक संत को संत मिल ही जाता है, जिस प्रकार एक बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को बुरे कार्य करने वाला साथी मिल जाता है, उसी प्रकार आपके विचार द्वारा आपके विचार वाला व्यक्ति। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि एक बार इस बात पर जरूर विचार करिए कि क्या हम जो विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद जो जीवन जी रहे हैं, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, क्या वो सही है? क्या वो सुविचारों के द्वारा, क्या वो सुविचारों से भरा हुआ है या कुविचारों से भरा हुआ है? एक बार सोचना चाहिए। जिस समय आप सुविचार को अपने अंदर उतार लेंगे और सुविचार को उतारने की कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया, जो भी हम सामने देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारे विचार होने लगते हैं। हम टीवी चैनल में बहुत सी चीजें देखते हैं, क्या हम कुछ वक्त ये नहीं निकाल सकते हैं कि हम एक घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट कुछ अच्छी चीजें देखना है? आप यूट्यूब पर खोजिए, आपको सब मिल जाएगा। रामायण, महाभारत, शास्त्र, वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, जो भी आप चाहें आप बच्चे को दिखाइए। अब तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल में यूट्यूब उपलब्ध है, आप दिखाइए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए, उनसे जो बात करिए वो सुविचारों वाली बात करिए, उनके साथ जो खेल खेलिए वो हार जीत का खेल नहीं खेलिए। कोई विचार को नहीं आने दीजिए कि आप हार गए, मैं जीत गया, या मैं जीत गया आप हार गए। हमें खेलना है खुश होने के लिए, जीत हो या हार हो उसके लिए। जो जीत के लिए खेलता है वो प्रसन्न हो ही नहीं सकता।
कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस संबंध में विचार करिए कि हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को खुशहाल बनाना है, अच्छा बनाना है। क्योंकि हम सोचते हैं, ये विचार करते हैं और ये सुविचार करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, पर सिर्फ विचार ही कर पाते, उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने विचारों को, अच्छे विचारों को, सुविचारों को अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ आदान प्रदान कीजिए और देश को खुशहाल बनाने में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।